लोहरदगा में भी दुर्गा पूजा को लेकर उत्साह का माहौल देखने को मिला। यहाँ भी विजयदशमी पर दुर्गाबाड़ी मंदिर में पूजा के सारे अनुष्ठान बंगाली परंपरा से संपन्न किए गए। जिले भर के बंगाली समुदाय के श्रद्धालुओं की यहाँ भीड़ उमड़ती है। वर्ष 1936 से लगातार दुर्गाबाड़ी मंदिर में बंगाली समुदाय की ओर से भव्य पूजा का आयोजन होता है और दशमी के दिन यहाँ सुहागिन महिलाएं सिंदूर खेला करती हैं। अनुष्ठान जो होते हैं वो बंगाली परंपरा से बंगाली के से आए पुरोहित द्वारा ही संपन्न कराए जाते हैं। देखिए, हम लोग तो यहाँ पे श्री श्री दुर्गाबाड़ी मंदिर में बहुत ही उत्सव के साथ और बहुत ही खुशियों के साथ हम लोग यहाँ पे बंगाली समुदाय जो है इकट्ठा होते हैं और यहाँ सिंदूर खेला भी होता है, जो हम लोगों का सौभाग्य अखंड सौभाग्य का प्राप्ति होता है। और हम लोग जितने भी यहाँ पर बंगाली महिलाएं लोग जो हैं इकट्ठा होते हैं और हम लोग बहुत ही खुशी से माँ दुर्गा जी का आगमन का हम लोग पहले से भी तैयारी करते हैं और बहुत ही खुशी उल्लास के साथ हम लोग सभी मिलकर मनाते हैं सभी महिलाएं। धनबाद के सेक्टर एक पूजा पंडाल में बड़ी संख्या में महिलाओं ने सिंदूर की होली खेली, एक दूसरे को सिंदूर लगाकर सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद लिया। मान्यता है कि आज के दिन सुहागिन महिलाएं माँ दुर्गा को सिंदूर चढ़ाती हैं तो उन्हें सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद मिलता है। सरायकेला खरसावा में भी विजयदशमी के अवसर पर सिंदूर उत्सव का उल्लास देखने को मिला। महिलाओं ने पूजा अर्चना कर एक दूसरे की मांग भरी, एक दूसरे के साथ सिंदूर की होली खेली। सिंदूर खेला को लेकर महिलाओं में उमंग देखने को मिला। नाच गाकर मां दुर्गे को विदाई दी जा रही है। की गई इसके बाद दसवीं की पूजा समाप्त हुई। दसवीं पूजा के बाद जया विजया अपराजिता का पूजा संपन्न होने के बाद शादीशुदा महिलाओं ने माँ के साथ सिंदूर खेलती है। ये परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है। इसमें मान्यता है कि माता जैसे अपने मां को हमेशा भरे रहती है, उसी तरह महिलाओं की मांग भी भरी रहे। सिंदूर खेलने के पश्चात आज जल में माँ को विसर्जन की जाती है।